Good afternoon, all. I'm Squadron Leader Anuradha, and here we have come for RE Festival, Renewable Energy Festival of All India Renewable Energy Association. This is our first anniversary, and we are here. We are quite excited to attend this. फार आनंद होतोय की जेव्हापासून एरियाची स्थापना झाली तेव्हापासून महाराष्ट्रात किंवा भारतामध्ये सर्वीकडे सोलर संघटनेला फार चांगले दिवस आले. आय एम अ प्राऊड मेंबर ऑफ एरिया. एरिया मीन्स ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन. यहाँ पे मिले हैं 29th को हमारा फाउंडेशन डे है तो लेट्स सेलिब्रेट एंड मेक इट मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस. Goa All India Renewable Energy Association Renewable Energy Festival 2023. इस प्रोग्राम में प्रमोद जी सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा इनका आगमन हो चुका है. साथ साथ में भगवान जी खूबा ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर एमएनआरई, साथ साथ में सुदीन जी धवलीकर द स्टेट मिनिस्टर फॉर द गोवा मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो वी ऑल एरिया मेंबर्स government dignitaries welcome you for this renewable energy festival, sir. So I request all dignitaries to light in the lamp and inaugurate the ceremony. Dhanyawad mannyavar. बोलो भारत माता की. बोलो भारत माता की. वंदे वंदे. गोवा एरिया रिन्यूएबल एनर्जी फेस्टिवल 2023. आज जो नेशनल पोर्टल, यही सुझाव को लेकर के नेशनल पोर्टल का लोकार्पण किया और एक साल के भीतर उसका परिणाम आप सभी के चेहरे पर मैं देख रहा हूं. पोर्टल का एक साल का उसका जन्मदिन बनाना, फाउंडेशन डे मनाना, तो इससे वेंडर्स को भी लाभ हुआ है, यूजर्स को भी लाभ हुआ है और भारत सरकार का भी लक्ष्य प्राप्ति करने का और बढ़ने का भी लाभ हुआ है. This is the totally win-win situation. This is the totally win-win situation. तो best example national portal की. 2030 तक भारत की renewable energy 500 gigawatt की लक्ष्य रखा गया और net zero 2070 तक. COP 15 में जो
सभी देशों ने जो लक्ष्य तय किया था, दुनिया के अंदर एकमात्र देश है उसको हासिल किया, तो वो भारत और भारत के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं। और कोई अन्य देश अपना लक्ष्य को पूरा नहीं किया, तो आज की भारत जो लक्ष्य तय करेगी वो लक्ष्य प्राप्त करके रहेगी। 80 गीगावाट का सोलर की इंस्टॉलेशन हो चुका है, आने वाला 8 साल के अंदर 200 गीगावाट की सोलर की एनर्जी की इंस्टॉलेशन होने वाला है। यानी अब तक आपने जो किया है और करने का लक्ष्य क्या है, आप अंदाजा कर सकते हो कि आपकी भी तैयारी 10 दुगना उसको बढ़ाना पड़ेगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र में विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। दिल के गहराइयों से आपको मेरा धन्यवाद और शुभकामना देते हुए अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। एरिया के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 2070 तक पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े सोल्जर कौन है, तो आप लोग हैं। Unless and until it is not possible, it is not only, क्योंकि हमने चाहा सिर्फ हम डिपार्टमेंट की तरफ से करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। जब तक आप लोग ऑन बोर्ड पे नहीं आ जाए तब तक वो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। अभी एंकर बात करते करते कहने लगा कि द सेम नेशनल पोर्टल की स्कीम जो महाराष्ट्र में रखी है वो समझो गोवा में लगाई, तो मुझे लगता है कि हम तुरंत गोवा पूरा कवर कर देंगे। मुझे माननीय मंत्री जी बोले कि हम ये लक्ष्य तो यानी आप लोग आए तो 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे, तो बाद में गोवा वाले लोग क्या करेंगे। फॉर द सोलर द मार्केट इज होल कंट्री, और जिस तरह से नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है आप सभी लोगों के लिए पूरा देश मार्केट है। मैं मुझे बहुत भाग्यवान समझता हूं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्लान, जो गोवा का रिन्यूएबल एनर्जी प्लान हमने रिसेंटली हमारे G20 मीटिंग में लॉन्च किया और लास्ट 8 दिन ही पहले, और रिन्यूएबल एनर्जी प्लान नॉट ओनली इन द पावर सेक्टर बट रिन्यूएबल एनर्जी प्लान इन द पावर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इवन दो एग्रीकल्चर, फिशरीज, सभी सेक्टर में हमने हमारा प्लान लॉन्च किया है। इसी आगे अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हमारा काम सबसे आगे रहेगा। हम जो कार्बन इमिशन का नेट जीरो करने के लिए पूरी तरह से हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसी के साथ मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बाकी सभी एरिया हो, एमएनआरई हो, जिस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और इसी तरह से आप इसी जोश के साथ काम करने लगे तो डेफिनेटली पूरे देश भर में हम रिन्यूएबल एनर्जी का काम यानी आगे कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो सोलर सेक्टर में नेशनल पोर्टल की मांग की तो ऑलरेडी है, जो आपने सेकंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मांग की है, डेफिनेटली द ऑनरेबल मिनिस्टर विल कंसीडर दैट आल्सो। और इसके बाद में वो भी आप सेलिब्रेट करने के लिए दैट नेशनल पोर्टल आल्सो अगेन यू विल कम आफ्टर 1 ईयर टू सेलिब्रेट दैट इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो इसी तरह से यानी इस यानी ग्लोबल और ग्रीन और क्लीन एनर्जी प्रॉस्परस करने के लिए हम सभी एक साथ में हम काम करेंगे, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है वो साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है
सबसे प्रयास, सबका प्रयास हर एक सेक्टर में रहा तो अपना देश पीछे नहीं रह सकता है। इसके लिए सबका प्रयास सभी सेक्टर में होना जरूरी है और इस आजादी के अमृत काल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है विकसित भारत 2047, तो किसी सेक्टर में अपना देश पीछे न रहे। इसलिए विकसित होने के लिए यानी विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो या मेक फॉर द वर्ल्ड, डेट इज उनका जो सपना है वो साकार करने के लिए आप सभी लोग काम करेंगे। करेंगे क्या नहीं? तो करेंगे तो मेरे साथ में एक ही बार फिर से एक बार भारत बता गे, भारत बता गे, वंदे वंदे। सभी लोग साथ में रहेंगे यही वादे के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय।